Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is Poona. Today we are going to discuss about toggle key. Toggle key. मैंने कीबोर्ड के बारे में ईच एंड एवरी की के बारे में डिस्कस किया है. व्हाट इज कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या होता है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड पे कितने की होते हैं, कीबोर्ड के टाइप्स कितने हैं, कंट्रोल की, फंक्शन की, अल्फान्यूमेरिक की, नेविगेशन की, न्यूमेरिक की, इंडिकेटर की, ईच एंड एवरी की के बारे में, एवरी कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया है. तो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है. तो लेट्स स्टार्ट टॉगल की. हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है टॉगल की का, तो चलिए सीखते हैं. तो टॉगल की बेसिकली क्या होता है कि सेम की डिफरेंट वर्क. डिफरेंट वर्क बेसिकली क्या होता है कि हम एक की से ही, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो कैप्स लॉक क्या होता है, एक बार जब इसको प्रेस करते हो तो ऑन हो जाता है और फिर वो सारी लेटर कैपिटल में लिखाता है, और एक बार जब सेम की को प्रेस करते हो तो फिर वो स्मॉल लेटर में टाइप होने लगता है. तो इसी को कहते हैं हम लोग टॉगल करना, ऑन या ऑफ करना, यस या नो करना. तो इसके इसके भी टाइप्स हैं. तो टॉगल की मेनली टू टाइप्स के होते हैं, एक विदाउट इंडिकेटर और एक विद इंडिकेटर. इसका मतलब क्या हुआ कि विदाउट इंडिकेटर वाले की ऐसे की जिसको प्रेस करने से कोई लाइट ना जले, इंडिकेट ना करे. जैसे मैंने इंडिकेटर के में भी बताया कि ये जो यहाँ पे शो कर रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर की. हाँ, तो इंडिकेटर की का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर हम कोई प्रेस करें, जैसे हम लोग अगर कैप्स लॉक प्रेस करें तो यहाँ पे लाइट जलता है या नहीं. अगर जलता है तो वो हो गया विद इंडिकेटर, और अगर नहीं जलता है तो वो होता है विदाउट इंडिकेटर. तो हम लोग समझ लेते हैं कि कौन सा होता है विद इंडिकेटर और कौन सा होता है विदाउट इंडिकेटर. तो जो हमारा विद इंडिकेटर होता है वो होता है नम लॉक, कैप्स लॉक, और एक होता है स्क्रॉल इंडिकेटर. और विदाउट इंडिकेटर की बात करें तो पाउस, ब्रेक की. तो जैसे हमारा नम लॉक, तो यहाँ पे हमारा नम लॉक शो करता है. तो आप जब इसको प्रेस कीजिएगा, तो एक बार प्रेस कीजिएगा तो ये ऑन हो जाएगा और सारा ही टाइप होगा, जो भी आप टाइप कीजिएगा वो सारा ही टाइप होगा. और सेम की को अगर दोबारा प्रेस कीजिएगा तो ये ऑफ हो जाएगा, और फिर आप कुछ भी टाइप कीजिएगा तो वो टाइप नहीं होगा, ये लॉक हो जाएगा हमारा नम लॉक. जितने भी इसको हम लोग नम लॉक की बोलते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा, सॉरी ये लॉक हो जाएगा, तो ये कुछ भी टाइप नहीं होगा. तो अगर हमारा नम लॉक की ऑन है तो हमारा सेकेंड इंडिकेटर जलता है, तो हमारा शो करता है कि हमारा नम लॉक ऑन है, अगर ये लाइट जल रहा है तो. और वही अगर कैप्स लॉक ऑन है तो हमारा ये इंडिकेटर जलता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैप्स लॉक. अगर ये ऑन है तो मतलब कैप्स लॉक ऑन है और सारी लेटर हमारे कैपिटल में राइट होंगे, और अगर ये ऑफ है तो मतलब ये लाइट भी ऑफ है और ये हमारा सारा स्मॉल लेटर में टाइप होगा, ये होता है कैप्स लॉक. अब हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रॉल का. स्क्रॉल का यहाँ पे कोई एक की रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्क्रॉल का, यहाँ पे देखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रॉल की. तो ये बेसिकली कमांड लाइन वाले जो होते थे ना ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें यूज होते थे, क्योंकि उसमें हम लोग कमांड बेसिस पे टाइप करते, कीबोर्ड से ही कमांड लिखते हैं वहां पे. अब तो इजीली हम लोग माउस वगैरह से कर लेते हैं स्क्रॉल, बट उस समय होता था कि हम लोग को कीबोर्ड से ही करना होता था, तो उसमें हम लोग इसका यूज करते थे स्क्रॉलिंग करने के लिए. तो अगर ये वाला की हमारा ऑन है तो हमारा ये वाला लाइट जल रहा है तो स्क्रॉलिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो ये हो गया. और एक होता है हमारा विदाउट इंडिकेटर वाला पाउस का, ये यहाँ पे होता है पाउस या ब्रेक का. जैसे हमारा कोई वीडियो देख रहे हैं या फिर कोई गेम्स खेल रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, हमको रोकना है, तो एक बार इसको प्रेस किए तो पाउस हो गया, और फिर जैसे दोबारा उसी को प्रेस किए तो हमारा रन करने लगा. तो ये हमारा था पूरा टॉगल की के बारे में कॉन्सेप्ट. आई होप आपको समझ में आई होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.